हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम आगे के रिकॉर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 83 क्वेश्चन नंबर 83 है, जो वो है हमारा ई ए एस ई की फुल फॉर्म क्या है। ई ए एस ई की फुल फॉर्म है इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। नेक्स्ट है मुद्रा, मुद्रा की फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट हमारा डीफ, DEAF की फुल फॉर्म है डिपोजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी अकाउंट है जो डीफ में कब चेंज हो जाता है? आफ्टर 10 ईयर, जब 10 साल तक उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होती ना, तो 10 साल के बाद वो डीफ में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, FATF की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ रेगुलेटरी बॉडी फॉर NPS, NPS की रेगुलेटरी बॉडी क्या है? PFRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन असबा बी स्टैंड्स फॉर, ASBA में बी फॉर ब्लॉक्ड। असबा की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, UPI इज डेवलप्ड एंड मेंशन्ड बाय NPCI। ठीक है, UPI है ये कौन डेवलप करता है और कौन मेंटेन करता है? ये NPCI। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन मुद्रा R स्टैंड्स फॉर, R फॉर रिफाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, FATF की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म NCLAT, NCLAT फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुल फॉर्म ऑफ PFMS, PFMS की फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर ऑन रोड प्राइस इन केस ऑफ न्यू कार? ये हमारा 15%। ठीक है, न्यू कार के उसमें केस में मार्जिन कितना हमारा? 15%। और जिसके साथ टाई अप होता है उधर कितना हमारा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द स्टिपुलेटेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर ऑडिट इन हाई रिस्क ब्रांचेज? हाई रिस्क ब्रांचेज में रेगुलर ऑडिट करने का टाइम क्या है? ठीक है, इसमें है 6 से 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज इट मैंडेटरी टू लीव ऑफिस इन केस ऑफ मैंडेटरी लीव? मैंडेटरी लीव में ऑफिस छोड़ना क्या मैंडेटरी है? यस और मैंडेटरी लीव किसके लिए होती है? सेंसिटिव पोस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम डिपॉजिट पीरियड इन केस ऑफ मिनी डिपॉजिट स्कीम, मिनी डिपॉजिट स्कीम में मैक्सिमम पीरियड क्या है डिपॉजिट का? वो है 24 मंथ। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, मैक्सिमम बैलेंस इन PNB उपहार गिफ्ट कार्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये कितना हो सकता है उपहार गिफ्ट में? ठीक है, बैलेंस मैक्सिमम 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स द अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू डीफ? कोई भी अकाउंट वो डीफ में कब ट्रांसफर हो जाता है? 10 ईयर बाद। ठीक है, जब 10 ईयर तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती तो क्या है, कोई भी अकाउंट है जो डीफ में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफाइंड किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन किया गया है, लेकिन कौन से सेक्शन में? यह है सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजन ऑफ SLR इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? SLR का प्रोविजन है ना, जो ये SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो होता है ना, जो ये रखना होता है, तो ये कौन से सेक्शन में है डिफाइन इसको? ठीक है, ये है सेक्शन 24 का सेक्शन 2A। किसका? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 24 के 2A में ये डिफाइन किया गया है, किसको? SLR को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 102, विच विल LIC पॉलिसी बेसिज लोन अकाउंट बिकम NPA? सॉरी, व्हेन विल LIC पॉलिसी बेसिज लोन अकाउंट बिकम NPA? ये LIC पॉलिसी है, ठीक है, लोन अकाउंट पे बेस्ड होती है, कब हो जाती है NPA? नेवर, ही कभी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड बाय RBI
फॉर फंड डिपॉजिट एज सीआरआर, ठीक है, जब सीआरआर की फॉर्म में फंड डिपॉजिट होता है तो आरबीआई उस पर कितना इंटरेस्ट देता है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टर्म लोन डिक्लेयर्ड एनपीए, कोई भी टर्म लोन है वो कब एनपीए हो जाता है, इफ़ रिमेंड ओवरड्यू फॉर मोर देन, कितने दिनों तक ओवरड्यू रहे, ये होता है 90 डेज, अगर 90 दिन तक ओवरड्यू रहे तो टर्म लोन एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एसएससी, एसएससी का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 21 ईयर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है, कंट्रीब्यूशन हैव टू बी मेड फॉर ओनली, सिर्फ 15 साल तक इसमें कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है एसएससी अकाउंट में, इसका मैच्योरिटी पीरियड है जो वो 21 ईयर्स। और एक केस है शादी वाला, ठीक है, अगर शादी हो जाती है और 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस का है उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद भी उसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है अगर कस्टमर चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम वेट इंडिविजुअल कैन बाय, ये है इंडिविजुअल कितना वेट ले सकता है, कितना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है, ये है 4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC इज रिक्वायर्ड फॉर ए लो रिस्क कस्टमर एट एनी इंटरवल ऑफ, ये है क्या, जो लो रिस्क कस्टमर है ना, इसकी लो रिस्क कस्टमर के अकाउंट में हर 10 साल के बाद KYC की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अकाउंट इज ओवर ड्यू फ्रॉम 31 to 60 डे फॉल अंडर विच कैटेगरी, ये है SMA 1, 0 से 30 दिन तक होता है, सॉरी 30 दिन तक वो अकाउंट रहता है SMA 0 में, ठीक है, 31 से 60 के लिए रहता है SMA 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट UCPDC वर्जन क्या है, UCPDC का वर्जन क्या है करंट 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज NPA विद सब स्टैंडर्ड कैटेगरी चेंजेज इट्स एसेट क्लासिफिकेशन आफ्टर रिमेनिंग ए पीरियड ऑफ अंडर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, कितने महीने के बाद, आफ्टर 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टर्म लोन बिकम्स NPA इफ रिमेन्स ओवरड्यू फॉर, कितने टाइम के लिए ओवरड्यू, यह है 90 डेज के लिए टर्म लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बिल डिस्काउंटेड डिक्लेयर्ड NPA इफ रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर 90 डेज, अगर 90 डेज के लिए ओवरड्यू रहता है तो NPA हो जाता है बिल डिस्काउंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसेट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज NPA एज बैंक हैज सफिशेंट सिक्योरिटी अवेलेबल इन केस एडिक्वेट मार्जिन अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, यस, वो जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, सॉरी एडिक्वेट मार्जिन हो अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट अगर एडिक्वेट मार्जिन है तो वो कोई भी एसेट है वो NPA डिक्लेयर नहीं कर सकते, होता नहीं है वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज राजभाषा एक्ट अमेंडेड, ये है 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग, सॉरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग का क्या मीनिंग मतलब है, बैंक नेम मेंशन ऑन द चेक, ठीक है, बैंक नेम मेंशन होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अकाउंट टर्न्स NPA आफ्टर, कब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वाला कब NPA हो जाता है अकाउंट, ये होता है इट इफ रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 crop season, अगर टू क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, DICGC इंश्योरेंस कवर ओन डिपॉजिट इज, कितने तक का, अप टू 5 lakh, 5 lakh तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इन अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना में कितना है, 50% और एटलीस्ट 1000, ठीक है, इनमें से जो भी कम होता है 50% या 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमीशन पेबल टू बैंक्स फॉर इनरोलमेंट अंडर PMSBY, कितना है PMSBY के अंडर कितना कमीशन है, 1 रुपया पर मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अंडर PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, 20 रुपीज। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम 436, इंश्योरेंस दोनों के 2 लाख के 2 लाख के हैं, ठीक है, और अगर जैसे एक हाथ, ठीक है, या फिर एक आंख, एक फुट ऐसे कट जाए तो उसके लिए 1 लाख क्लेम मिलता है दोनों में, ठीक है, PMSBY में भी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम एश्योर्ड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 2 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस व्हाट आर द चार्जेज फॉर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन थ्रू ब्रांचेज, ये है 100 रुपये एंड थ्रू आउटसोर्स एजेंसी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुल फॉर्म ऑफ एस एम ई आर ए की फुल फॉर्म है SME रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, केयर की फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिकॉर्ड क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।